तो यह है दोस्तों 241 किलोमीटर की दूरी का नज़ारा। यहाँ पर सोयाबीन डाले हैं सुखाने के लिए। इस साइड में एक छोटा रोड गया है और यहाँ पे देख सकते हैं आप समृद्धि, यहाँ तक तो आपको दिखाई दे रहा है लेकिन इसके आगे देखिए थोड़ी दूरी पर है शायद। चलो चलते हैं। तो यह है दोस्तों समृद्धि महामार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट से 242 किलोमीटर का नज़ारा। आगे भी काफ़ी हद तक रास्ता बन रही है और पीछे भी हमारे रास्ते का कंस्ट्रक्शन चालू है। तो चलिए चलते हैं और एक कदम आगे। तो अभी हम आ पहुँचे दोस्तों समृद्धि महामार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट से 243 किलोमीटर की दूरी पर और आप यहां का कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं किस प्रकार से शुरू है। अभी रास्ते पर ये जो रोड़ा है ये डाला है और अभी ये जो जिस साइड से हम आए हैं यहां का काम देखिए इस प्रकार से काम शुरू है। तो ये है 243 किलोमीटर पर समृद्धि महामार्ग की प्रोग्रेस। चलिए चलते आगे। और यहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में अभी हम जान लेते हैं दोस्तों कि अभी हम एग्जैक्ट कहाँ खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अभी हम हैं, इसके आगे मुंगड़ा करके गाँव आएगा। तो अभी हम आए हैं दोस्तों समृद्धि महामार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट से 244 किलोमीटर की दूरी पर और आप देख सकते हैं यहाँ की वर्किंग प्रोग्रेस। यह है 244 किलोमीटर पर हमारे समृद्धि महामार्ग की वर्किंग प्रोग्रेस। यहाँ पर काम शुरू है लेकिन उतनी स्पीड से दिखाई नहीं दे रहा है जितना हम आगे पहले देख चुके हैं। चलिए चलते आगे 245 किलोमीटर की ओर। और ये हम अभी आ पहुँचे हैं समृद्धि महामार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट से 245 किलोमीटर की दूरी पर, 245 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समृद्धि महामार्ग। और यहाँ पे आप वर्किंग प्रोग्रेस देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार है। दो सौ 16 किलोमीटर के बाद हमें हार्डली आधा किलोमीटर का रास्ता सीमेंट का लग चुका है अभी तक। यहाँ पर 245 किलोमीटर मतलब अभी 30 किलोमीटर के रास्ते में आप देख सकते हैं दोस्तों सभी मैं आपको दिखाते हुए आ रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे 246 किलोमीटर की ओर। और यह है दोस्तों समृद्धि महामार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट से 246 किलोमीटर की दूरी का नज़ारा। आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस किस प्रकार है और अभी आप ग्राउंड के लेवल भी देख सकते हैं यहाँ से। तो ये पूरा काम ग्राउंड लेवल पे चल रहा है अभी। तो ये हम आ पहुँचे दोस्तों अभी समृद्धि महामार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट से 247 किलोमीटर की दूरी पर और आप देख सकते हैं यहाँ की वर्किंग प्रोग्रेस कुछ इस प्रकार है। यह
ये है आगे वाला हिस्सा जहाँ अब हमें जाना है। तो गूगल मैप के ज़रिए देखते हैं हमारी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है 247 किलोमीटर पर। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हम हैं यहाँ पर, मेरे राइट हैंड साइड पे रीगांव करके एक गांव है, रीगांव, और ये हम यहाँ पर 247 किलोमीटर पर। तो चलिए चलते हैं यहाँ से आगे। तो ये है दोस्तों 248 किलोमीटर की दूरी का नज़ारा। यहाँ पर थोड़ा हमें सीमेंट का रोड बना हुआ दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं 248 किलोमीटर की दूरी पर समृद्धि का कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार है। चलिए चलते हैं आगे। तो यह है दोस्तों समृद्धि महामार्ग के 249 किलोमीटर की प्रोग्रेस का रिपोर्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पर रास्ते की खुदाई अभी चालू है 249 किलोमीटर पर। इस प्रकार से काम है दोस्तों। और यह है दोस्तों समृद्धि महामार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट से हम आ चुके हैं अभी 250 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं, पूरा पहाड़ी एरिया है। यहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन में आपके साथ। तो ये देखिए दोस्तों 250 किलोमीटर पर ये हम कहाँ पर आ पहुँचे हैं, और यहाँ पर हमें जाना है ये ऊपर पहाड़ी पर। मुझे तो पता नहीं मेरी गाड़ी चढ़ेगी या नहीं, कोशिश करके देखते हैं। चलिए, और ये यहाँ पे झरना बह रहा है। तो अभी 250 किलोमीटर की दूरी पर हम इस जगह पर है दोस्तों, ये एक पहाड़ी एरिया है। और आजू बाजू में कुछ गांव भी नज़र नहीं आ रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे।